आपको बता दें, मुरादाबाद कपूर कंपनी सब्जी मंडी 100 साल पुरानी है, जहां पिछले 100 सालों से लगातार सब्जी मंडी के अंदर छोटे कारोबारी कारोबार करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों डीआरएम द्वारा सब्जी मंडी को रेलवे संपत्ति बताते हुए वह सब्जी मंडी को खाली करवा दी। इसके बाद पिछले 116 दिन से सब्जी मंडी व्यापारी मुरादाबाद जिला मुख्यालय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और अपनी सब्जी मंडी बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज कुछ व्यापारियों ने मुरादाबाद के कपूर कंपनी बुद्ध बाजार, पीली कोठी आदि चौराहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया और सब्जी मंडी बहाली की मांग करते हुए डीआरएम मुरादाबाद हाय हाय के नारे लगाए। वहीं जानकारी देते हुए हरि किशोर शर्मा ने बताया कि डीआरएम द्वारा छोटे लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। जो बड़े भूमाफियाओं लोग हैं, जिन्होंने रेलवे की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उनसे कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीआरएम भूमाफियाओं के साथ हम साझ हैं और सब्जी मंडी की जगह भू माफियाओं के हाथ में देना चाहते हैं, इसलिए हमारी सब्जी मंडी जो कि 100 साल पुरानी है उसे खाली करा दिया है। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। देखिए, ये जो हमारी कपूर कंपनी मंडी है, सब्जी मंडी जो 100 साल पुरानी थी, जिसको रेल प्रशासन ने भू माफियाओं से मिलकर उजाड़ दिया, 116 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जिला अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के सामने चल रहा है। लेकिन ये डीआरएम भू माफियाओं से मिला हुआ है, ये इस जमीन को भू माफियाओं को देना चाहता है। हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जो हमारी मंडी है, हम लेके रहेंगे। रेल मिनिस्टर ने हमसे कहा कि आप वहां पर लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ माफिया लोग हमारी मंडी को छीनना चाहते हैं। ये होगा नहीं, सिर्फ गरीबों पे बुलडोजर चलेगा। रेल की तमाम जमीनों पर तमाम धन्ना सेठ वहाँ पर लगाए हुए हैं, तमाम अपनी महल खड़े करिए हुए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गरीबों पर बुलडोजर चला है, तमाम सैकड़ों परिवार आज भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन मंडी को बहाल नहीं किया जा रहा है। हमने आज पूरे शहर के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया है। हम पूरे तमाम ठेले फटपटरी वालों से, होमचे वालों से, गरीब लोगों से ये आग्रह करते हैं, ये अपील करते हैं कि इस आंदोलन को ताकतवर बनाएं और ताकि गरीबों पे जो उजाड़ा जा रहा है और ये जो सरकार की जो गरीब विरोधी नीति है, इसके खिलाफ हम एक साथ खड़े हों ताकि हम अपनी मंडी हासिल कर सकें। और हम आपके चैनल के माध्यम से, जिला प्रशासन से, रेल प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मंडी के बहाली का आदेश जारी करें, नहीं तो ये आंदोलन और आगे जाएगा। देखिए, हमें 116 दिन हो गए और 6 दिन से वहाँ भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन बार बार कह रहा है कि हम मंडी बहाल करेंगे, लेकिन नहीं कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी मंडी बहाल हो ताकि लोग अपने कारोबार से लग सकें। देखिए, हम सभी लोगों से मिल चुके हैं, हमारी रेल मंत्री से, कैबिनेट के जो केंद्रीय रेल मिनिस्टर हैं, उनकी रेल मंत्रालय में हमारी बात तो हुई। उन्होंने कहा हम मंडी बहाल करेंगे, और हम तमाम जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मंडी बहाल होगी। जिला प्रशासन से मिल चुके हैं हम, रेल प्रशासन से मिल चुके हैं, सब लोग कह रहे हैं मंडी बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई है जी। विधायक से बात हुई, हमने क्षेत्रीय विधायक से भी, भाजपा के विधायक से भी बात की, हमने तमाम पार्टियों के लोगों से बात की, सांसद से बात की, सब लोगों से बात की, ज्ञापन दिए। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेंजा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।